हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ एक अलग सब्जी जो शायद आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। लेकिन हाँ, अगर आप उत्तराखंड में रहते तो ये सब्जी आपने खाई होगी, क्योंकि उत्तराखंड में ये बहुत ज़्यादा बनती है। ये है कद्दू के पत्तों की सब्जी, इसको हम टुकलू भी बोलते हैं उत्तराखंड में। ये देखिए, ये कद्दू के पत्ते हैं, ये एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट पत्ते लेने होते हैं इसमें कद्दू के, जो एकदम नए नए पत्ते आते हैं मुलायम। तो आज हम इसकी सब्जी बनाएंगे, तो चलिए मैं बताती हूँ इसकी सब्जी हम कैसे बनाते हैं। इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी बनती है। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ। तो ऐसे हम सबसे पहले हमें कद्दू के पत्ते लेने, आप चाहे तो पत्ते भी ले सकते हैं, और इसकी थोड़ी सी ये स्टीम टाइप भी यूज़ होती है, ये इसको भी अच्छे से यूज़ करना है हमें। लेकिन जो हमें पत्ते यूज़ करने हैं, काफ़ी मुलायम होने चाहिए, नए नए अच्छे होते हैं, ये खाने में ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। इनको हमें कुछ इस तरह इसके रेशे निकाल लेने हैं। इसके जो ये पत्ते होते हैं, ये थोड़े से चुभने वाले होते हैं, अगर हम इसके रेशे निकाल देंगे तो एकदम मुलायम हो जाते हैं और बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो हमें ये सारे रेशे अच्छे से निकालने हैं, स्टीम से भी और इनके पत्तों से भी। जब ये सब ऐसे अच्छे से निकल जाएंगे पूरे जगह से, तो ये पत्ते एकदम मुलायम हो जाएंगे। तो इन पत्तों को हमें ऐसे सबको निकाल लेना है, और मैंने इनको पहले से ही निकाल के रखा है, और मैंने निकाल के इनको बिल्कुल इस तरीके से बारीक काट के रख लिया है। आप भी ऐसे ही करें कि पहले इन पत्तों को निकाल लें, सबको अच्छे से इनके रेशे निकाल लें, और इनको कुछ इस तरह से बारीक काट लें। देखिए कितना बारीक कटा है ये। पत्ते की सब्जी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप। और इस पत्ते पे एक चीज़ और यूज़ करनी होती है हमें, इसको हम खाली यूज़ नहीं करेंगे कभी भी, ये गले में थोड़ी लगती है, जिसके लिए हमें इसमें 2 से 3 भिंडी की सब्जी यूज़ करनी होती है। मैं आपको बताती हूँ, इन पत्तों के साथ मुझे चाहिए भिंडी। ये देखिए मैंने एक भिंडी ये दिखाने के लिए भी रखी है कि हमें यहाँ पे भिंडी चाहिए। 4 से 5 भिंडी हम यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैंने बारीक काट लिया, हमें 4 से 5 भिंडियाँ, इतने पत्तों में इतनी भिंडियाँ बहुत है, हमें कोई ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ ये इसके स्वाद को बढ़ाती है और अच्छा कर देती है। इसके अलावा हमें चाहिए नमक, हरी मिर्च, यहाँ पे 5 से 6 मैंने हरी मिर्च ली है, क्योंकि मैं लाल मिर्च यहाँ पे बिल्कुल यूज़ नहीं करने वाली हूँ। अगर आप लाल मिर्च यूज़ करेंगे तो हरी मिर्च कम कर लीजिएगा। इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिया जख्या, जो मैंने आपको पहले भी बताया था ये उत्तराखंड में होता है, लेकिन अगर आपके पास ये जख्या नहीं है तो आप इसके बदले राई ले या कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट कुछ अलग ही होता है इस सब्जी में खासकर। तो अगर आपके पास ये है और आप उत्तराखंड से हैं, तो आप इसी को यूज़ करना, ये बहुत अच्छा होता है। तो बस हमें इस सब्जी के लिए सिर्फ इतना ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं सब्जी बनाना। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई लिया, कढ़ाई में तेल गर्म करने रखा है। इसमें मैंने सरसों का तेल लिया, और सरसों के तेल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है, इसमें बिल्कुल कम नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा तेल चाहिए होता है, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा तेल लिया है। तेल गर्म हो गया, अब डाल देंगे जख्या, और जख्या हो गया, अब हम इसमें डालेंगे सब्जी। इसको अच्छे से मिला लें, मैंने सारे कद्दू के पत्ते डालकर अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे भिंडी और हरी मिर्च, अच्छे से एक बार इनको अच्छे से मिला लें। और अब डाल देंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक, बस मैं इसमें और कुछ भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैंने नमक और हरी मिर्च यूज़ की है। इन दोनों से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। इनको अच्छे से मिला लें। देखिए अभी इस सब्जी को ज़्यादा देर नहीं हुए है, मैंने कढ़ाई में डाले हुए, सब्जी कितनी कम हो गई है। ये सब्जी हम काटते तो ज़्यादा ही, लेकिन ये बिल्कुल कम हो जाती है। और एक बात और ध्यान रखिए, जब आप ये सब्जी डालें तो सब्जी से अच्छे से पानी को निचोड़ लें, जब पानी हट जाएगा तो उसके बाद इसको कढ़ाई में डालें, इससे ही जल्दी इसका पानी सूख जाता है और ये सब्जी बस 5 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। ये देखिए कितनी कम हो गई है सब्जी, अभी तो मैंने इसको ढका भी नहीं है, इससे नॉर्मली मैंने थोड़ा सा इसको हिलाया है अभी तक। देखिए कढ़ाई में डालने के बाद अभी इससे मुझे 2 से 2.5 मिनट ही हुए होंगे कि मैं इसको ऐसे कर रही हूँ, और ये कितनी कम हो गई है। तो जब आप ये सब्ज़ी काटे तो ये मैं सोचे सब्जी बहुत ज़्यादा है, ये ज़्यादा नहीं होती, ये बहुत कम हो जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। बस अब मैं 2 मिनट के लिए इसको ढक रही हूँ प्लेट से, और 2 मिनट बाद इसको हटाएंगे तो हमारी सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। सच में ये बिल्कुल 4 या 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता सब्जी को बनने। ये 2 मिनट हो गए, तो चलिए अब देखते हैं। और ये देखिए हमारी सब्जी बनकर एकदम तैयार है।
बस ये इतनी ही बनती है, ऐसे नहीं इसको बहुत ज़्यादा आपको बिल्कुल नहीं पका देना, क्योंकि सारी अच्छे से सब्जी को अगर हम पकाते तो वो भी इसकी सारे प्रोटीन सब चला जाता है। तो हमें ऐसे ही रखनी है सब्जी को, क्योंकि भिंडी भी कच्ची नहीं होती गैस बंद करने से, भिंडी भी कभी कच्ची नहीं होती, क्योंकि जैसे आपको पता होगा कि कच्ची भिंडी भी खाई जाती है तो वो भिंडी भी इसमें बहुत जल्दी गल जाती है। जितने भी हुई है ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसे ज़्यादा टाइम इसको बनाने में ना लगाए। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, ये सच में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। थैंक यू।